आपका स्वागत है। मैं वनमाईलाल कुशवाहा, आप देख रहे हैं C10 न्यूज। देखते हैं जनपद से जुड़ी खास खबरें। फिरोजाबाद जनपद में मादक पदार्थों की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है। यह मादक पदार्थ विक्रेता युवा पीढ़ी की जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हैं। इसके मद्देनजर पुलिस अधीक्षक अजय कुमार पांडे ने मादक पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने के उद्देश्य से जनपद में अभियान चला रखा है। इसी क्रम में शुक्रवार को अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण CEO सुकुहाबाद के नेतृत्व में थाना मक्खनपुर पुलिस ने मादक पदार्थ विक्रेता के खिलाफ अभियान चलाया। तभी मुखबिर ने सूचना दी कि कुछ लोग बिल्टीगढ़ चौराहे पर पुल के नीचे मादक पदार्थों की बिक्री कर रहे हैं। थाना प्रभारी मक्खनपुर विनय कुमार सिंह ने इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दे दी और मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर छापा मारा तो देखा कि दो व्यक्तियों गांजा बिक्री कर रहे हैं। पुलिस ने दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 12 किलो गांजा तथा गांजे की बिक्री के रुपये 38,200 रुपये बरामद किए। यही नहीं कि पुलिस ने दोनों गांजा विक्रेताओं के पास से तराजू, बांट, स्टेपलर, कैंची आदि सामान बरामद भी किया। पुलिस पूछताछ में उन्होंने अपने नाम सलीम और पिद्दी पुत्र बकील खान निवासी मोहल्ला नगला तुरकिया थाना मक्खनपुर, लाला पुत्र वीर शाह निवासी ग्यार कॉलोनी सुकुहाबाद बताए। पुलिस क्षेत्राधिकारी सुकुहाबाद बलदेव सिंह खनेड़ा के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में थाना प्रभारी मक्खनपुर के अलावा उप निरीक्षक धीरेन्द्र सिंह, सूरजमल, सिपाही सुमनेश, जयप्रकाश आदि शामिल रहे। तो देखते रहिए C10 न्यूज। जी सर, किस तरह से खुलासा किया गया था? देखिए, आज आपको जैसा मालूम है कि जनपद में हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा ऐसे लोगों जो अवैध शराब का धंधा कर रहे हैं और जो नशे का धंधा कर रहे हैं, यानी कि जो अफीम, चरस, गांजा इत्यादि इस प्रकार का धंधा कर रहे हैं और हमारे समाज के लोगों को जो मैं ये नशे का कारोबार फैला रहे हैं, तो इसके लिए अभियान निरंतर चलाया जा रहा है। आज मुखबिर की सूचना मिली कि बिट्टीगढ़ चौराहे के पास में कुछ लोग नशीले पदार्थों का ये बिक्री कर रहे हैं वहाँ पर, और इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक अपने फोर्स के साथ पहुँचे तो वहाँ पर सूचना के आधार पर दो लोगों के बारे में सूचना मिली जिसमें कि ये लोग जो है वहाँ पर भारी मात्रा में नशीला पदार्थ ले हुए हैं और ये लोगों को बिक्री कर रहे हैं वहाँ पर। ये सूचना मुझ क्षेत्राधिकारी को दी गई तो मैं सूचना पर मौके पर पहुंचा हूं और मौके पर पहुँच कर हम सब पुलिस वालों ने इनको घेर लिया। घेर कर जब इनकी तलाशी ली गई तो इनकी तलाशी में ये काफ़ी मात्रा में गांजा बरामद हुआ और जो गांजा पुड़ियों, ये लोग पुड़ियों में पैक करने का मटेरियल था वो भी एक डब्बे में प्राप्त हुआ है और बाट और जो है तराजू भी प्राप्त हुआ है और लगभग 12 किलो 168 ग्राम जो है गांजा इनके पास से मिला है। इन दोनों मुजरिमों को तत्काल हमने हिरासत में ले लिया है और इनके खिलाफ जो भी NDPS एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई होती है वो करके इनको आज ले लिया। सर, यह जो गांजा प्राप्त हुआ है इसकी जो मार्केट में कितने रुपए की कीमत? देखिए, ये गांजा बहुत ही उत्तम क्वालिटी का गांजा है और ये कुछ तो पैकेटों में था, कुछ पैक था। इसकी जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 10 लाख रुपए की ऊपर आ गई है। सर, ये दोनों आरोपियों का पहले भी कभी चले आ चुके हैं इस मामले में? इनके खिलाफ काफी आपराधिक मुकदमे हैं और ये पहले भी ऐसे कारोबार में लिप्त रहे हैं। आज मतलब ये अपराधी अभ्यस्त अपराधी हैं और इसलिए इनके खिलाफ बहुत ये कार्रवाई की जा रही है।